दोस्तों ये टैब मैंने सैमसंग की ऑफिशियल साइट से ख़रीदा था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ऑफ़र्स दिखाई देते हैं, जैसे कि ये 2000 रुपये का कैशबैक जो कि HDFC बैंक और ICICI बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स पर था, साथ ही 3500 रुपये का ऑफ था बुक कवर के ऊपर, जिसकी वजह से ये 4500 रुपये का बुक कवर मुझे 999 रुपये का पड़ा। दोस्तों बुक कवर का ऑफ़र आपको बाद में अवेल करना पड़ेगा जब आप इस टैब को ख़रीद लेंगे और वो टैब आपके पास आ जाएगा, तो उसमें सैमसंग शॉप की जो ऐप है वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी आपको, और उस ऐप में अगर आप अंदर जाकर देखेंगे तो फॉर यू सेक्शन में आपको जाना होगा। वहाँ पर आप अपने जो भी आपके लिए ऑफ़र्स होंगे यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आप अपने टैब का सीरियल नंबर एंटर करेंगे और आपके टैब से जितने भी ऑफ़र्स होंगे वो आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे बुक कवर का ऑफ़र चल रहा होगा तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, जिससे आप 999 में ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमें इसका ये कवर मिलता है इस बॉक्स में, इसे हम हटा देते हैं। तो दोस्तों ये है टैब A7 का बुक कवर जो कि सैमसंग की तरफ से ओरिजिनल आता है और इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है, 4500 रुपये। साइट पे कुछ 3000 समथिंग का इसको दिखाते हैं, बट क्योंकि ये एक ऑफ़र चल रहा था तो मैंने जो टैब लिया था टैब के साथ लेने पे ये लगभग 999 का मुझे पड़ गया है। तो दोस्तों 999 में लेने में से कोई बुराई नहीं है, बिकॉज मैं मार्केट पे भी गया था तो मार्केट में लगभग 600 रुपये के अराउंड कवर मिल रहे थे, 500-600। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना इसकी, ये काफ़ी स्लीक है, वो बहुत मोटे मोटे, वो नॉर्मली इतना मोटा था इससे, आप देख सकते हैं नॉर्मली इतना मोटा था वो इससे, तो इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्लिम सा है ये, और ऑब्वियसली सैमसंग का ओरिजिनल है तो प्रोटेक्शन भी अच्छी होगी। चलिए खोलते हैं इसको और निकालते हैं कवर बाहर, यहाँ पर निशान दिया हुआ है ये खोलने के लिए। तो यार पहली बार अगर मैं टच फील बताऊं तो सीरियसली बहुत ही प्रीमियम सी फीलिंग आ रही है, काफ़ी वेलवेट टाइप का सा फीलिंग आ रही है इसमें। ये हम हटाते हैं यहाँ से, तो ये इस तरीके से है। इसमें ये दो यहाँ पर निशान दिए हुए हैं जिस पर आप ऐसे करके इसको, ओह ओके, ये मैग्नेट है एक्चुअली, इसमें मैग्नेट है और ये यहाँ पे इसको देखिए, ये और ये मैग्नेट है, तो ये दो एंगल बनाता है, ये देखिए यार, और फिनिशिंग आप देख सकते हैं, ये जो प्लास्टिक है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, और देखिए दो जगह पे आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ पूरा स्लीक है, इसीलिए काफ़ी कम इसकी मोटाई है। तो चलिए अब इस पर अपना टैब फिक्स करते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। अब लगाते हैं अपने टैब को इस पर, बस हो गया फिक्स। हल्की सी एक आवाज़ आई थी, ठीक है, कर दिया इसको होल्ड, तो ये देखिए इसने इसको होल्ड कर लिया और बिल्कुल भी मोटाई इसकी बढ़ी नहीं। ये देखिए एक दो, और ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको, स्टैंडिंग में आप इसको ऐसे रख सकते हैं, तो ये नहीं गिरेगा। तो ये था दोस्तों इसका बुक कवर। अभी क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, इससे ईशु क्लास ले रही है और ये स्टैंडिंग में भी आराम से खड़ा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मिलता है आपको इस टैब का ये सैमसंग ओरिजिनल बुक कवर। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो
जैसे ऑफ़र में मिला है आपको 1,000 रुपये का, मुझे ये पड़ा है ऑफ़र में, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको भी इतने में अगर मिल जाए तो बिल्कुल इसको ही लें, बाहर वाला कोई ना लें, बिकॉज़ बाहर जो मिलेगा उसकी फिट एंड फिनिश इस तरीके से इस प्राइस रेंज में नहीं मिलेगी आपको। ये मैग्नेट भी है इसमें, और जो इसका जो ये एकदम देखना कितना थिन है, ये जो इतना पतला है मेन इसकी क्वालिटी है ये। अदरवाइज़ जो मैंने दूसरे देखे थे वो इससे काफ़ी मोटे थे, काफ़ी ज़्यादा हैवी बल्की हो जा रहा था वो, प्लस उसकी क्वालिटी भी ना ये वाली नहीं थी, ये क्वालिटी आपको उसमें नहीं मिलेगी। इस प्राइस रेंज में अगर 1,000 रुपये में मिल जाता है तो बेस्ट है ये, लेकिन अगर 4,000 रुपये में मिले तो ख़रीदने का कोई सेंस नहीं है। बेटर है अगर डिस्काउंट में मिल रहा है, किसी ऑफर में आपको क्लब करके मिल जा रहा है तो ले लीजिए, बिल्कुल लीजिए। और अगर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं तो कंसीडर, आप आफ्टर मार्केट कंसीडर कर सकते हैं अमेज़ोन वगैरह पे। और दोस्तों आपको सैमसंग के इस टैब गैलेक्सी A7 के बारे में जानना है तो इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलूंगा एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।